दोस्तों नमस्कार। शेयर बाज़ार की बात करते हैं, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड की बात करते हैं, नालको की बात करेंगे। पीएसयू कंपनी है, मेटल सेक्टर से रिलेटेड ये कंपनी है। स्टॉक प्राइस 150 के ऊपर कारोबार कर रहा है। तीसरी तिमाही के नतीजों की बात करेंगे इस वीडियो में, और साथ में कंपनी ने डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया है। तो जिन्होंने निवेश किया है नालको में, तो पिछले एक साल में तेज़ी देखने को मिल रही है। स्टॉक एक तरह से डबल हुआ है, दुगना हुआ है पिछले एक साल में। जिन्होंने निवेश किया है, इन्वेस्टमेंट किया है, 165 का इसने हाई बनाया है, और इसका जो लो था 75 रुपीज़ का था दोस्तों। तो पिछले साल ये देखिए फरवरी के महीने में 78 रुपीज़ में था, और इसमें जो तेज़ी बनी है दिसंबर के बाद बनी है। देखिए ये 78 से 100 तक पहुंचा, और 100 से एक तरह से ये बढ़कर ऊपर की तरफ 165 तक पहुंचा है। पिछले दो ढाई महीने में एक अच्छी तेज़ी बनी है, और अभी स्टॉक प्राइस 154 के आसपास कारोबार कर रहे हैं। तो इसके तीसरी तिमाही के नंबर्स की बात करते हैं, और शेयर प्राइस के अनुसार भी बात करेंगे। इस तरह के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो आपके मतलब का है तो लाइक का बटन दबाएं। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड की बात कर रहे हैं, नालको की बात कर रहे हैं। सबसे पहले डिविडेंड की बात कर लेते हैं दोस्तों। तीसरी तिमाही Q3 ऑफ FY24 के नतीजों के साथ कंपनी ने 2 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है। 40% फेस वैल्यू ऑफ 5 रुपीज़ इंट्रियम डिविडेंड का अनाउंसमेंट है ये। तो 2 रुपया पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया, और इसके लिए जो रिकॉर्ड डेट है वो है 23 फरवरी 2024। रिकॉर्ड डेट, फिक्स डेट 23 फरवरी 2024, एक्स डेट भी 23 फरवरी 2024 होगी डिविडेंड का। दोस्तों इंट्रियम डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है 2 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर के हिसाब से। पे आउट डेट का अपडेट नहीं दिया है इसमें, तो टाइमली पेमेंट हो जाएगा। रिकॉर्ड डेट ध्यान में रखिएगा 23 फरवरी 2024 रहेगा दोस्तों। तो ये डिविडेंड का अपडेट है। अब फाइनेंशियल नंबर की बात कर लेते हैं, अब फाइनेंशियल रिजल्ट की बात करते हैं। स्टैंड लोन फाइनेंशियल रिजल्ट है ये नालको का, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड का, जिसमें देखिए जो रेवेन्यू का अपडेट आया है, रेवेन्यू 3,346 करोड़ का है, और इससे पहले क्वार्टर में 3,043 करोड़ का था, एक साल पहले 3,297 करोड़ का था। तो Q3 FY24 में 31/12/2023 के क्वार्टर में 3,346 करोड़ का रेवेन्यू हुआ है। अदर इनकम को प्लस करके देखते हैं तो टोटल इनकम का जो अपडेट है 3,397 करोड़ का है, और इससे पहले 3,112 करोड़ का था, एक साल पहले 3,357 करोड़ का। नेक्स्ट नंबर की बात करते हैं, एक्सपेंसेस की बात करते हैं, 2,729 करोड़ का हुआ है, और टोटल इनकम है 3,397 करोड़ का। तो कंपनी को प्रॉफिट है, देखिए प्रॉफिट लॉस बिफोर टैक्स का जो अपडेट है 669 करोड़ का है। सीधे से प्रॉफिट की बात करते हैं, प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड की बात करते हैं, 488 करोड़ का प्रॉफिट है, 488 करोड़ का प्रॉफिट है कंपनी को। 206 करोड़ का प्रॉफिट इससे पहले था, 273 करोड़ का प्रॉफिट एक साल पहले था का था। सालाना भी बढ़ा है, क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से भी बढ़ा है। क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से तो देखिए दुगने से ज़्यादा प्रॉफिट आया है कंपनी को। अब की बार कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है, टोटल कंप्रहेंसिव इनकम का जो अपडेट है 487 करोड़ का है। तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है, तो देखिए अर्निंग पर शेयर भी बढ़ा है, 2.66 का अर्निंग पर शेयर है, इससे पहले 1.22 का था, 1.49 का एक साल पहले था। ये तीसरी तिमाही के नंबर्स हैं नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड के, नालको के, जिसमें ग्रोथ देखने को मिल रही है, प्रॉफिट बढ़कर आया है, और अब की बार एक्सपेंसेस कम रहा है दोस्तों। तो प्रॉफिट बढ़ा है तो ईपीएस भी बढ़ा है, और ये नंबर्स हैं तीसरी तिमाही के Q3 FY24 के। दोस्तों बात करते हैं अब नालको में क्या करना चाहिए, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड में क्या करना चाहिए। देखिए स्टॉक में एक तेज़ी देखने को मिली है, नतीजे भी हम लोगों ने देख लिए हैं, कंपनी ने डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है। तो जिन्होंने लोअर लेवल पे ख़रीदारी की है 100 के नीचे, तो उनका रिस्क बहुत कम रहेगा, और उन निवेशकों को होल्ड करना चाहिए। स्टॉक में एक तेज़ी देखने को मिल रही है, और मेटल सेक्टर में काफ़ी उतार चढ़ाव भी होता है दोस्तों। और दूसरा पॉइंट ये है कि जो ऊपर के लेवल पे ख़रीदारी कर रहे हैं, अब 150-140 के ऊपर जो ख़रीदारी कर रहे हैं, तो उनका रिस्क बढ़ेगा, और जो ऊपर के लेवल पे ख़रीदारी कर रहे हैं, 140 के ऊपर ख़रीदारी कर रहे हैं, तो उनका रिस्क लगभग 20-25% का रिस्क डाउन साइड रहेगा, और ऊपर की तरफ स्टॉक अनलिमिटेड रह सकता है। 165 का इसने हाई बनाया, 165 को क्रॉस करता है तो स्टॉक हमें और तेज़ होता हुआ दिखाई दे सकता है, और जिन्होंने लोअर लेवल पे ख़रीदारी की है स्टॉक में और तेज़ी आती है तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करना चाहिए दोस्तों। जैसे आपने देखा कि मार्केट में, बाज़ार में करेक्शन हो रहा है, जो शेयर्स भागे हैं
तो उनमें 10-15% 20% का करेक्शन एक साथ आ जा रहा है, जैसे कि अभी आपने बहुत सारे शेयरों में देखा होगा। तो बढ़ने में फिर समय लगता है। नालको की बात कर रहे हैं तो डिविडेंड देती कंपनी और अब की बार के नतीजे भी अच्छे हैं, तो लोअर लेवल पे निवेशकों को होल्ड करना चाहिए। ऊपर के लेवल पे जो ऊपर के लेवल पे ले रहे हैं तो एक स्टॉप लॉस या फिर टारगेट हिट होता है तो उसी तरह से प्रॉफिट भी बुक करना चाहिए। तो ये नालको का लेटेस्ट अपडेट है, तीसरी तिमाही Q3 FY24 के नंबर्स का अपडेट था। साथ में कंपनी ने डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है ₹2 per equity share के हिसाब से। इस तरह के अपडेट के लिए, बाजार की जानकारी के लिए YouTube चैनल धीरज सिंह के स्टॉक्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।